तो हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है आपके चैनल गो गुरु पे। तो लास्ट हमने जो वीडियो अपलोड किया था वो था मैप्स और इंटरफेसेस के रिगार्डिंग, जो कि गोलैंग में कैसे यूज़ किए जाते हैं, क्या उनका महत्व है, गोलैंग में कैसे उसको हैंडल किया जाता है। उसके अंदर कुछ इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चंस भी थे जो कि मैंने जिनके सोल्यूशन भी डिस्कस किए थे, तो आप जाके इस वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए, अब आज का टॉपिक है पॉइंटर्स, हाउ टू यूज़ पॉइंटर्स, पॉइंटर्स की थोड़ी सी हिस्ट्री, पॉइंटर्स क्यों यूज़ किए जाते हैं गोलैंग में, वो आज हम कवर करेंगे। तो हम अपने आईडी वीएस कोड पे मूव कर जाते हैं। तो अभी हम कुछ पहले हिस्ट्री जानेंगे पॉइंटर्स क्या होते हैं, देन हम थोड़ा सा उसके बारे में कोड लेवल पे भी जानेंगे कि पॉइंटर्स को हैंडल कैसे किया जाता है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पहले पॉइंटर्स होते क्या हैं। पॉइंटर्स बेसिकली वो चीज़ वो है कि जैसे हमने एक वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया है तो उसको हम पॉइंटर्स कहते हैं, बट गोलैंग के अंदर इसको स्पेशल वेरिएबल नाम से भी जाना जाता है। पॉइंटर्स हैं वो बेसिकली हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होते हैं, जिसको हम 0x से डिनोट करते हैं, और 0x के बाद एक रैंडम रैंडम ये जो आप देख सकते हैं रैंडम एक स्ट्रिंग होती है जो कि 0x के साथ लगी होती है। बट उन जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स मतलब जो जहाँ से वो स्टार्ट होता है वो 0x से ही होता है। अब बेसिकली पॉइंटर्स की नीड हमें क्यों पड़ी, पॉइंटर्स की जरूरत हमें इसीलिए पड़ी जैसे कि अब कोई भी वैल्यू अगर आप असाइन करते हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर, वो जाके कहीं ना कहीं किसी मेमोरी एड्रेस में जाके स्टोर होती है। अब मेमोरी एड्रेस को याद रखना तो डिफिकल्ट है, क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रैंडम एक स्ट्रिंग है, तो इसको याद रखना बहुत ही मुश्किल है। और अब हम अगर वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं तो वेरिएबल्स को याद रखना इजी रहता है विद इन द प्रोग्राम, तो इसीलिए ये पॉइंटर्स इंट्रोड्यूस हुए थे, तो इसीलिए इसकी जरूरत हमें प्रोग्रामिंग लेवल पे पड़ी थी। तो अब हम कुछ प्रोग्राम लिखेंगे इसके ऊपर, जैसे कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल, जैसे यहाँ पे हम एक बेसिक प्रोग्राम बनाएंगे जो कि सम का रहेगा, तो यहाँ पे मेरे को पहले दो वेरिएबल्स की नीड पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने ए को डिक्लेयर कर लिया, रैंडम एक स्ट्रिंग होती है जो कि 0x के साथ लगी होती है, बट उन जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स मतलब जो जहाँ से वो स्टार्ट होता है वो 0x से ही होता है। अब बेसिकली पॉइंटर्स की नीड हमें क्यों पड़ी, पॉइंटर्स की जरूरत हमें इसीलिए पड़ी जैसे कि अब कोई भी वैल्यू अगर आप असाइन करते हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर, वो जाके कहीं ना कहीं किसी मेमोरी एड्रेस में जाके स्टोर होती है। अब मेमोरी एड्रेस को याद रखना तो डिफिकल्ट है, क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रैंडम एक स्ट्रिंग है, तो इसको याद रखना बहुत ही मुश्किल है। और अब हम अगर वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं तो वेरिएबल्स को याद रखना इजी रहता है विद इन द प्रोग्राम, तो इसीलिए ये पॉइंटर्स इंट्रोड्यूस हुए थे, तो इसीलिए इसकी जरूरत हमें प्रोग्रामिंग लेवल पे पड़ी थी। तो अब हम कुछ प्रोग्राम लिखेंगे इसके ऊपर, जैसे कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल, जैसे यहाँ पे हम एक बेसिक प्रोग्राम बनाएंगे जो कि सम का रहेगा, तो यहाँ पे मेरे को पहले दो वेरिएबल्स की नीड पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने ए को डिक्लेयर कर लिया पॉइंटर ऑफ एंट, एंड मैंने बी को डिक्लेयर कर लिया पॉइंटर ऑफ एंड, ठीक है गाइस। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सके, मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन करते टाइम जिसमें हम 10 का मेमोरी एड्रेस रिटर्न करवाएंगे, जैसे यहाँ पे मैंने पीटीआर एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, अब इसमें मैं लिखूंगा वैल्यू। अब हम इंटीजर के साथ खेल रहे हैं तो हम इंटीजर को ही यूज करेंगे, तो यहाँ पे मैंने इसको लिखा रिटर्न पॉइंटर ऑफ बी। अब ये पॉइंटर ऑफ एम्परसेंट ऑफ बी क्या रिटर्न करेगा, ये करेगा स्टार इंट रिटर्न। तो अभी हम अगर ए को वैल्यू साइन करवाना चाहते हैं तो ए इक्वल टू पी टी आर इक्वल राउंड ब्रैकेट, उसके अंदर हम 10 साइन कर देंगे, देन बिल्कुल सेम ही हम बी के लिए करेंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे बी को भी मैंने 10 असाइन करवा दिया है,
तो अभी हम इसका सम करवाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ए और बी को वैल्यू साइन करवाने के बाद यहाँ पे सम किया है दोनों का। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जो एम्परसेंट है वो बेसिकली मेमोरी एड्रेस को कंज्यूम करने के लिए, एक्सेस करने के लिए है। अगर हमें एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो हमें स्टार के साथ उस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने सेम तरीके से इसको सम किया है। अब मैंने 10 का मेमोरी एड्रेस नहीं प्लस करना था, तो इसीलिए मैंने स्टार यूज़ किया है, स्टार ए प्लस स्टार बी। तो स्टार के साथ मेरी 10 आ गई यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार बी के साथ भी मेरी 10 आ गई वैल्यू, तो सी का आंसर क्या रहेगा? 20। तो जैसा कि यहाँ पे 20 इसका आउटपुट है, ठीक है गाइस। तो ये था कुछ बेसिक्स पॉइंटर्स के रिगार्डिंग। तो अगर आप इसको मेमोरी एड्रेस चाहते हैं कि मैं इसका मेमोरी एड्रेस प्रिंट करूं, अगर हम इसमें ए का और बी का मेमोरी एड्रेस अभी हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, तो जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो हेक्साडेसिमल वैल्यूज प्रिंट होंगी, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया है आउटपुट में कि 0x से स्टार्ट हो रहा है एंड कुछ रैंडम स्ट्रिंग के साथ वो आ चुका है। तो ये है मेमोरीज को प्रिंट करवाने का तरीका, एंड ये है उसके एक्चुअल वैल्यूज को एक्सेस करने का तरीका, एंड जो हमने आउटपुट बेसिकली हमें चाहिए था जो कि सी में हमने कंज्यूम किया था, तो वो भी आउटपुट यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया है। अब गाइज ये तो हो गया एक तरीका पॉइंटर्स को डील करने का। बट अब मैं आपको गोलैंग के एक और फीचर के बारे में बताऊंगा, जो कि फीचर आया था 1.18 वर्जन में। बेसिकली गो अब जेनरिक्स को भी सपोर्ट करता है। सो जेनरिक्स होते क्या हैं? ये एक ऐसा तरीका है जो कि मतलब ये एक ऐसा कोड लिखने का तरीका है जो कि बेसिकली टाइप्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट टू टाइप्स है। बेसिकली हम इसमें कुछ भी पास कर सकते हैं और कुछ भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब हमने जो ए और बी को वैल्यूज असाइन की थी, ठीक है, यूजिंग दिस फंक्शन, तो अभी मैं इसको एक और तरीके से भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, फंक्शन PTR1 एंड स्क्वेयर ब्रैकेट में टी एनी एंड आर्गुमेंट में वी एंड टाइप ऑफ टी एंड रिटर्न जो किया है मैंने, ये बेसिकली होगा मेरा रिटर्न एम्परसेंड वी। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं जो किस टाइप का होगा वो जो रिटर्न पैरामीटर होगा, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे PTR1 एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, जिसके अंदर मैं फंक्शन को बेसिकली डिक्लेयर करने का तरीका ही कुछ और लिख दिया। तो ये बेसिकली एक जेनरिक फंक्शन है जिसमें टाइप्स की कोई डिपेंडेंसी नहीं है। यहाँ पे टी क्या है, वो एक एनी टाइप का है, और जो इस फंक्शन में आर्गुमेंट पास हो रहा है वो बेसिकली टी टाइप का है। अब टी किस टाइप का है? एनी टाइप का। तो एनी क्या है, मतलब एनी मतलब कुछ भी, कोई भी टाइप हो सकती है। तो आइए हम इस फंक्शन को टेस्ट करते हैं, क्या ये हमारे फंक्शन की आउटपुट सेम रखता है कि कुछ और ही डिफरेंशिएट कर देगा। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल सेम रहा, बट जो ये वैल्यूज हैं बेसिकली ये किसी और मेमोरी एड्रेस पे असाइन हो गई हैं, तो ये चेंज होती रहती हैं। तो अब ये आपको समझ आ चुका होगा कि जेनरिक्स होते क्या हैं। तो हमारे फंक्शंस का जो आउटपुट है वो भी सेम है। तो हमने ये पॉइंटर्स बेसिकली दो तरीके से किया है। तो हाँ, हम इसको एक और तरीके से भी टेस्ट कर लेते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ सकते हैं। बेसिकली अभी हमने इसको इंटीजर के यूजिंग इंटीजर किया है, तो अभी मैं इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ ताकि आपको पता लग सके कि ये कोई भी टाइप को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। तो अभी मेरे को 10 का जो वैल्यू है वो भी स्ट्रिंग में करना पड़ेगा। तो अभी इसका वैल्यू आना चाहिए 10 10। तो जैसा कि आपने देखा कि इसका जो वैल्यू है वो सही आया, 10 10, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रिंग कंकेटिनेट हो रही है। अगर मैं दो स्ट्रिंग को जोड़ता हूँ तो वो आउटपुट क्या देती है, जैसे ये मैंने जोड़ी पहली हेलो, ये मैंने जोड़ी दूसरी
तो अगर मैं डी को प्रिंट कराऊंगा तो ये मेरे को देगा हेलो वर्ल्ड, ये रहा। तो अब ये मेरे को क्या दे रहा है, हेलो वर्ल्ड। तो होप सो सबको ये वीडियो समझ में आई आई होगी। अगर किसी को कोई भी डाउट है, अगर सिंगल डाउट भी है, तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं आपके कमेंट्स रीड करता हूँ गाइस। तो अगर किसी को भी फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपने डाउट्स मेंशन कर दे, ताकि मेरे को ये जान सकूँ, मैं ये जान सकता हूँ कि आप कहाँ पे किस लेवल पे इस वीडियो से नॉलेज गेन कर रहे हैं। होप सो गाइज आप सबको ये वीडियो समझ में आए, और सब्सक्राइब करते रहना, अपना प्यार ऐसे ही देते रहना। थैंक यू।